के क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं। तो इसमें इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक बहुत बड़ी शीट है तो आप लिख नहीं पाओगे, मेरे को सिर्फ मेथड डिस्कस करने हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन प्लीज आप रीड कर सकते हो फर्स्ट। देखो क्वेश्चन ये है, एक रे ऑफ लाइट है, उसका वेक्टर गिवन है, इस वेक्टर से वो इंसिडेंट कर रही है, ये नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर बताना है। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ऐसा किया हुआ है, लेकिन हमने इतना कॉम्प्लेक्स नहीं किया, हमने इजी किया है। जैसे मान लो ये इंसिडेंट लाइट है, लास्ट लेक्चर में जब सुबह बैच लगा था उसमें ही करवाया था कि ये इंसिडेंट लाइट है, और अगर नॉर्मल सिर्फ आई कैप होता, सिर्फ आई कैप, तो मैंने बताया था कि इसको माइनस आई कैप कर दो तो रिफ्लेक्टेड लाइट, शॉर्टकट बताया था कैसे यूज करते हैं। लेकिन अगर मान लो नॉर्मल आई कैप नहीं है, या नॉर्मल जे कैप नहीं है, या नॉर्मल के कैप नहीं है, नॉर्मल ये है, अब कोई शॉर्टकट नहीं लग सकता। शॉर्टकट तब लगता है जब नॉर्मल या तो आई कैप हो, या जे कैप हो, या के कैप, तो उसका कोफिशियन उल्टा कर देते हैं माइनस में, तो सही है। लेकिन अगर वो आई जे के का कॉम्बिनेशन हो, फिर आपको वेक्टर फॉर्म यूज करना पड़ेगा। वो वेक्टर फॉर्म ने किया था क्या था, वो ई टू कैप इज इक्वल टू क्या था, ई वन कैप माइनस, वो फॉर्मूला याद है ना, कुछ ऐसा सा फॉर्मूला था, जो भी था आप उसको देख के उसकी वैल्यूज पुट कर सकते हो, कुछ ऐसे था, ई वन कैप टू इंटू ई वन कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप, कुछ ऐसा था, ऐसे कुछ है, हाँ ऐसे था ना, ठीक है मुझे याद नहीं है, बट मुझे एकदम याद आ गया बस लिखते लिखते अपने आप ही। तो कहने का मतलब कि ये ई वन कैप का मतलब है इंसिडेंट, एन कैप का मतलब है नॉर्मल, यहां पर सारी वैल्यूज पुट कर लोगे आंसर आ जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल है। कोई डाउट इसमें? जो लोगों को ये फॉर्मूला याद नहीं है उनके लिए एक नया तरीका है, मान लो फॉर्मूला याद नहीं रख सकते, एक और तरीका है। क्या तरीका है? ये मान लो इंसिडेंट है आई कैप जे कैप माइनस के कैप, और ये रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड इज ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप, मालूम ही नहीं कोफिशियंट्स क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्शन बराबर होगा और ये नॉर्मल है, ठीक। सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा आई इज इक्वल टू आर, दोनों तरफ कॉस लगा देते हैं तो कॉस आई इज इक्वल टू कॉस आर, कॉस आई की वैल्यू कैसे निकलेगी बताया था मैंने, इस ए वैक्टर को उल्टा कर लो, उल्टा कर लोगे तो ये माइनस साइन लग जाएगा इसके आगे, और इस वेक्टर को ऐसे रहने दो तो इनके बीच में एंगल कैसे निकलेगा डॉट प्रोडक्ट से, ये वेक्टर एज इट इज है, ये वेक्टर माइनस ऑफ ये रहा, माइनस ऑफ दिस टर्म, उल्टा हो गया, डॉट दिस वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस किया जाएगा, कॉस आई आ गया, ऐसी कॉस आर निकालना है, कॉस आर कैसे आएगा इन दोनों के बीच में, ये वेक्टर भी सीधा ही है तो सीधा ही है, तो दिस डॉट दिस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, एंड क्योंकि यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या निकल के आएगा, वन, ठीक है यहां तक। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लो, और इक्वेट करके सॉल्व करोगे तो ए और बी में एक इक्वेशन आएगी, इक्वेशन नंबर वन। ये मैथ्स का एक रूल है, मेडिकल वालों को वही यही मेथड सूट करेगा अगर आ जाए तो, फिर भी बता देता हूं। मैथ्स में ये लोग वेक्टर्स पढ़ते हैं जिसमें ये सिखाया जाता है कि इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल दे लाई इन अ सेम प्लेन, अगर तीन वेक्टर्स सेम प्लेन में लाई करते हैं तो तीन वेक्टर्स, इंसिडेंट का कोफिशियंट क्या था, वन आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, इसका कोफिशियंट लिखो वन वन माइनस वन, रिफ्लेक्टेड का कोफिशियंट क्या है ए बी सी, और नॉर्मल का कोफिशियंट क्या है माइनस वन और माइनस वन, के कैप तो है ही नहीं, तो इसका जो मैट्रिक्स जब सॉल्व करोगे, जब ये डिटरमिनेंट्स आप करते हो उसका सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, जीरो। मेडिकल में लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, आपने वेक्टर मल्टीप्लीकेशन सीखा हुआ है प्लस वन में, याद है आई कैप माइनस जे कैप के कैप, बिल्कुल वैसा ही है, बस आई कैप की जगह वन है और इसकी जगह वन है और के कैप की जगह वन है, तो इसको जब आप मैट्रिक्स को सॉल्व करते हो, सॉल्व करके ए और बी में एक और इक्वेशन आएगी। हालांकि मैं फिर बोल रहा हूँ कि मेडिकल वालों को वही मेथड ज़्यादा बेटर है। तो सेकेंड
इक्वेशन आ गई थर्ड, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे इज अ यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल टू 1 होगा। तीन इक्वेशंस आ गई ए बी सी, इनको साइमल्टेनियसली अगर हम सॉल्व करें तो ए बी सी की वैल्यूज आएंगी। ए बी सी आ गया तो रिफ्लेक्टेड लाइट आ गई, ये ज़्यादा आसान है वैसे, इसमें वैल्यूज भी पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। फिर भी सेकंड मेथड बता दिया मैंने, अगर कोई बुक यूज करेगी तो बुक मतलब क्या ना पता होना चाहिए कि कैसे किया। ठीक है यहाँ तक? ठीक, चलो ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इजी है। नेक्स्ट में क्वेश्चन में ये गिवन है, दो प्लेन मिरर्स हैं, एंगल उनके बीच में थीटा है। एक रे आती है, ये रे नीचे वाले मिरर के पैरेलल है और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ टकराए, यहाँ टकराए और यहाँ टकराए, और जो जाने वाली लाइट है वो इसके पैरेलल हो जाए, तो बताओ ये एंगल क्या होगा, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर ये इसके पैरेलल है तो बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये थीटा तो ये भी थीटा, तो बीटा तो थीटा के इक्वल आ गया। ये इसके पैरेलल है तो ये और ये एंगल भी बराबर है, तो अल्फा भी थीटा के इक्वल आ गया, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, नहीं चाहे असाइनमेंट लिख लो, थीटा एंड थीटा इक्वल टू थीटा थीटा, सही समझ आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट देखो, ये बड़े ध्यान से देखना, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, रिफ्लेक्शन है। अच्छा बताओ अगर ये थीटा है, थीटा तो ये नॉर्मल है 90 डिग्री, तो ये कितना है 90 माइनस थीटा, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा, और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये 90 डिग्री, तो ये कितना थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। सिमिलरली अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा थीटा, ये थीटा थीटा थीटा, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, मार्क कर लो आंसर 60। ठीक, ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार। हाँ टी आर लगेगा। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है आपको समझाता हूं। इसमें यह गिवन है कि एक ये वाटर है, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस एक ट्रिक है छोटा छोटा। ये वाटर है, ये मिरर है, ठीक। अब वो कह रहा है कि रे फॉल्स नॉर्मली ऑन इट, नॉर्मल है तो नॉर्मली जाएगी वापस। द मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा, तो ये मिरर को मैंने थीटा घुमा दिया, सच दैट मैं ये चाहता हूं कि एंगल थीटा इतना घुमाऊं कि रे जब इसको टकराए और रिफ्लेक्ट होके जाए तो पानी से बाहर ना आ पाए, अंदर ही रह जाए। इसका मतलब दिस एंगल शुड बी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, सही यहां तक? तभी बाहर नहीं आ पाएगी, ये स्टेप क्लियर है? तो दिस एंगल शुड बी क्रिटिकल एंगल। अच्छा ये बताओ आपने इसको थीटा घुमाया तो ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, तो ये इसके साथ नॉर्मल है तो ये कितना हो गया थीटा, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, इंसिडेंस रिफ्लेक्शन एक ही बात है, तो टोटल एंगल कितना हो गया 2 थीटा, टोटल एंगल इज इक्वल टू 2 थीटा, ये स्टेप क्लियर है? अच्छा ये लाइंस पैरेलल हैं, अगर ये 2 थीटा तो ये एंगल भी 2 थीटा, अल्टरनेट एंगल हो गए। अच्छा ये बताओ कि क्रिटिकल एंगल होता क्या है, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज 1 बाय म्यू, और इसमें क्रिटिकल एंगल किसके इक्वल है, 2 थीटा इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, या 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय म्यू, या थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 2 साइन इनवर्स 1 बाय म्यू, जिस भी ऑप्शन में हाफ पहले दिखाई दे वो आंसर है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सी आंसर है। सॉल्व क्या करना, पता ही लग गया है कि आंसर है, समझ में आ रहा है यहां तक? हाँ चेक कर लोगे तो भी क्या है, बट पॉइंट क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन पढ़ो।
देखो क्वेश्चन है, एक्स जेड प्लेन सेपरेट्स टू मीडिया ए एंड बी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड 1.75. अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, इट्स डायरेक्शन इन टू मीडिया आर गिवन बाई ए आई कैप, बी जे कैप एंड सी आई कैप, डी जे कैप. रेशियो बतानी है. आप डायग्राम चेक कर सकते हो. वो कह रहे हैं मीडियम ए से मीडियम बी में लाइट जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और आर है, म्यू वन म्यू टू आपको गिवन है, आपको इंसिडेंट का वेक्टर गिवन है ए आई कैप बी जे कैप, एक्स एक्सिस में ए ले लो, वाई एक्सिस में बी ले लो. ऐसे ही इसमें आपको जो रिफ्रैक्टेड लाइट है उसका वेक्टर गिवन है सी डी, सी और डी की फॉर्म में, सी आई कैप है और डी जे कैप है. डायग्राम हो गया क्लियर? ठीक. अब इसमें अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली म्यू वन साइन आई, म्यू टू साइन आर, म्यू वन साइन आई, म्यू टू साइन आर. साइन आई की वैल्यू क्या होगी? साइन आई इज ए डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. साइन आर इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई दिस वैल्यू. पर ये तो यूनिट वेक्टर्स थे तो इसलिए इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो वन आएगा. ए आई कैप प्लस बी जे का, बी जे कैप का मैग्नीट्यूड वन, और ऐसे सी आई कैप और डी जे कैप का मैग्नीट्यूड वन, इसलिए ये वन वन आएगा. तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं? कैंसल. तो अब क्या आ गया? ए बाई सी इज म्यू टू बाई म्यू वन. म्यू टू म्यू वन पता है, ए बाई सी की रेशियो आ गई डिवाइड करने पे 7/6. ठीक. तो अगेन वेक्टर की एप्लीकेशन है. कोई डाउट इसमें? ठीक. ठीक है. अब आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट टाइम ये शीट जो मैंने आप